subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, ओप्पो ने अपनी ए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और नया डिवाइस लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ओप्पो A31। आपको बता दूं, यह डिवाइस इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है और कंपनी की तरफ से ये अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुए कि ग्लोबली ये कब लॉन्च होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूरी है, डिवाइस इंडिया में बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी ओप्पो के A31 के बारे में और साथ में जानेंगे कि आखिर क्या नया फीचर्स हमें इस ओप्पो A30 में प्रोवाइड किया गया है ओप्पो की तरफ से। अगर इसके मैं हाईलाइट फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, बड़ी बैटरी मिलेगी, बड़ा स्टोरेज और बड़ी रैम मिलेगी और इतना नहीं, साथ में साथ आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। साथ के साथ आपको पंच होल वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। अगर इस फोन की मैं प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो केवल एक ही स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया जो आता है 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत अगर मैं अप्रोक्स मानूँ इंडोनेशिया करेंसी में 2599, अगर इसे मैं इंडिया में कन्वर्ट करूँ यानी कि लगभग 13,500 के आसपास। तो अगर मैं इंडोनेशिया से इंडिया में कंपेयर करूं तो हो सकता है शायद इससे कम प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसी डिवाइस के बारे में और साथ में जानेंगे कि क्या यह अपने प्राइस पॉइंट पर जस्टिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। एनीवे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर देना, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी फ़ोन के डायमेंशन, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर मैं इस फ़ोन के डायमेंशन की तरफ बढ़ूँ तो यह 8.3 मिलीमीटर का है। अगर इसके वेट की तरफ बढ़ूँ तो अप्रॉक्स 180 ग्राम का है क्योंकि इसमें हमें 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, तो इस वजह से 150-180 ग्राम के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर इसी फ़ोन के मैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की तरफ बढ़ूँ तो यह हमें ग्लास में हमें फ्रंट देखने को मिलता है, हालांकि कंपनी की तरफ से कहा नहीं गया कि कौन सा ग्लास में यूज़ किया गया। पीछे की तरफ हमें प्लास्टिक डिज़ाइन देखने को मिलती है और साथ के साथ पीछे की तरफ हमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो अगर पीछे की तरफ सेंसर प्रिंट हो तो समझ जाओ डिस्प्ले LCD IPS ही होगी। साथ के साथ वॉल्यूम रॉकर और 3.5mm जैक भी देखने को मिलता है, USB 2.0 में देखने को मिलती है। अगर इसके मैं डिस्प्ले की तरफ बढ़ूँ तो 6.5 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि आती है 720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। अगर इसी फोन के मैं एस्पेक्ट रेशियो की तरफ बढ़ूँ तो 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, जबकि 83.4% का हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। 400 पीक ब्राइटनेस इसमें है, मतलब कलर ठीक है, LCD भी ठीक ठाक है, मतलब वीडियो क्वालिटी आपको कुछ ठीक ठाक से मिलेगी, मतलब डिसेंट सी मिलेगी। और अगर इस फोन के मैं पिक्सल पर इंच डेंसिटी की बात करूं तो 291 की पिक्सल पर इंच डेंसिटी देखने को मिले। अगर मैं प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करूं तो ठीक है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ना है ना इतना ज़्यादा, बहुत लोअर है। अगर इसी फ़ोन के मैं सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ूं तो एंड्रॉयड 9 पाई बेस्ड है जिसमें कस्टम स्किन जो हमें कलर वाइज 6.1 देखने को मिलते हैं, यानी इसमें आप डार्क मोड वगैरह आसानी से देख सकते हैं। अगर इस फोन के मैं परफॉर्मेंस पार्ट की तरफ बढ़ूं यानी कि इसमें हमें प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलता है तो इसमें हमें मीडियाटेक का P35 देखने को मिलता है जो कि आता है एक 12 नैनो बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। अगर इसके मैं CPU की तरफ बढ़ूं तो इसमें 4x2.5GHz के कॉर्टेक्स A53 और 4x1.8GHz के कॉर्टेक्स A53 का हमें CPU देखने को मिलता है। अगर इसके मैं GPU की तरफ बढ़ूं तो पावर वर्ज 8320 का हमें इसमें GPU देखने को मिलता है जो एक डिसेंट सा रखा गया है। फैब्रिकेशन की तरफ बढ़ूँ तो अगर 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है तो मतलब बैटरी तो बहुत ज़्यादा पिएगा, इतना तो गारंटी है क्योंकि आज इस प्राइस पॉइंट के साथ 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के चिपसेट भी आ चुके हैं मार्केट में। तो अगर मैं चिपसेट के परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ूँ तो डिसेंट है, पबजी आप आसानी से खेल सकेंगे, लेकिन अगर आप अल्ट्रा HD की तरफ बढ़ो तो मेरे हिसाब से अनलॉक नहीं है क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट इसमें आप स्मूथ में ही खेल सकते हैं। अगर इस फ़ोन के मैं बैटरी की तरफ बढ़ूँ तो इसमें 4230mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि आती है USB 2.0 फीचर्स के साथ, यानी इसमें Type-C भी देखने को नहीं मिलता। अब मैं अगर बात करूँ इस फ़ोन के मैं कैमरा सेगमेंट के बारे में तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है जिसका मेन प्राइमरी सेंसर 12 MP जो कि आता है F1.7 अपर्चर के साथ। दूसरा इसमें हमें 2 MP का हमें टेलीफोटो लेंस, 2 MP का माइक्रो लेंस और 2 MP डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है जो कि आता है F2.4 अपर्चर के साथ। अगर मैं सेल्फी की तरफ बढ़ूं तो 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि आता है F2.0 अपर्चर के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो इसमें आप 1080p तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 30 FPS तक,
30 fps, क्योंकि आपको पता है कि स्क्रीन का जो साइज़ है 720 पिक्सल को ही सपोर्ट कर सकता है। तो इसमें आप 30 fps तक, 1080p तक, 10 मतलब HD, फुल HD तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको HDR का फीचर्स भी देखने को मिलेगा, पैनोरमा, AI ब्यूटी इफेक्ट भी, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर इस फ़ोन के बाकी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको डुअल वोल्टी 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ का वर्जन 4 है, वाईफाई का वर्जन 4 है, और साथ के साथ आपको बाकी सारे सेंसर इसमें देखने को मिलते हैं। अगर इसमें फ़ोन के मैं सिक्योरिटी की तरफ बढ़ूँ तो इसमें आपको पीछे की तरफ रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ के साथ फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है। दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल, जिसमें आपको आता है प्रिज्म व्हाइट एंड मिस्टर ब्लैक के साथ। तो ये थे इस फ़ोन के कुछ फीचर्स जो मैंने आपको बताए। अगर इस फ़ोन के मैं फाइनल कंक्लूजन पार्ट की बात करूँ तो देखो यार, सीधा सीधा हिसाब किताब के सारे फोन्स का केवल एक ही चीज़ को जस्टिफाई करता है, वो भी इसकी प्राइस पॉइंट, कि आखिर किस प्राइस पॉइंट के साथ ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो अगर ये बजट रेंज के हिसाब से अगर ये 6-7, 6-7, 8 हज़ार के आसपास अगर लॉन्च होता है इंडिया में, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक होगा। अगर ये 10 के ऊपर जा रहा है तो आपको पता है अंडर 10 के में बहुत सारे फ़ोन आपके पास हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट के साथ और इससे अच्छे फीचर्स के साथ आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये फ़ोन इंडिया में ना ही लॉन्च करें तो ज़्यादा बेहतरीन है। अगर लॉन्च कर रहे हैं तो फिर प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर इस प्राइस पॉइंट के साथ ही इंडिया में लॉन्च होगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि जो मैंने आपको इस फ़ोन के बारे में फीचर्स और प्राइस और साथ के साथ स्पेसिफिकेशंस बताए, आप लोग को कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दोस्तों बस फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ होता, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछने ना। अगर अभी तक आपने सोशल मीडिया पे फॉलो ना किया हो तो प्लीज़ यार सोशल मीडिया पे फॉलो करके आप मुझसे वहाँ भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रोज़ाना ही ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। अगर आपको कोई ऑफर डील्स देखना हो तो पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे कुछ फ़ोन और सेल और डील्स वगैरह मैंने दे रखी है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।